ओ भाई 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 माहौल वातावरण ओ बहस की आंख क्या एलिगेंट फुटबॉलिंग डिस्प्ले कर दिया भाई बार्सिलोना ने कल जिरोना के अगेंस्ट माहौल बहुत अच्छा बना हुआ आजकल लखनऊ में ना बहुत बढ़िया वेदर हो रखा है ठीक है बारिश वारिश हो रखी है और बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है ऐसे छपा छप -चाप वाली गंदी वाली कीचड़ वाली बारिश नहीं है ऐसे मतलब अच्छी हले होली वाली बारिश है एंड वो जो एटमोसफेयर हो चुका है एक माइंड बन चुका है ना मेरा इट्स लाइक हाँ भाई भाई आजकल ना वेदर बड़ा रिलैक्सिंग है एंड जब हम बारसोला को बैठते हैं देखने के लिए बारसा आती है ऐसा फुटबॉल खेल के जाती है ओ भाई क्या दिन चल रहे हैं क्या खुशियां आ रही हैं लियो मेसी दो गोल स्कोर करते हैं इंटर मायामी के लिए असिस्ट देते हैं इधर हराम खोर अपना बीकेएल गोल स्कोर कर रहा है दो गोल आज इनने भी मार दिए ओ भाई दीज आर द डेज ऑफ आर लाइफ भाई साहब मजा आ गया भाई वैसे तो हां से फ्लिक को एक बार भाई सलूट थैंक्स टू लपोटा मुझे पता है क्रिटिसिज्म में आता है बंदा मैं ही क्रिटिसाइज करता हूँ अक्सर बट थैंक्स टू लपोटा फॉर डूइंग दिस यू नो बट हाँ तरीका गलत था अगेन वो जो साक करने वाला दैट्स अ होल अनदर कन्वर्सेशन बट भाई वॉट द फोइंग ऑन विद बार्सोलोना क्यों ऐसा फुटबॉल हम खेल रहे हैं और भाई साहब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मेरे कोई को थप्पड़ मारो बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड फुटबॉल इन डिस्प्ले एंड इट्स नॉट लाइक कि भाई अभी जस्ट बिगिनिंग है पहला मैच दूसरा मैच इट्स नॉट लाइक दैट हम राइड कर रहे हैं इस मोमेंटम को इन एवरी सिंगल गेम वी सी आर सेल्फ इंप्रूविंग है थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीजें प्रोबली लैक ऑफ फोकस या कंसेंट्रेशन ड्रॉप होना टूवर्ड्स दी एंड ऑफ द गेम जहां पर हमने गोल खाया भाई एक क्लीनशीट हुआ थी हमारे लिए और ज्यादा हमें अच्छा फील होता और ये जो हराम खोर का ये जो बैठ गया दे वॉज नो नीड टू गो इन टू वैसे तो और हाँ आर्ग्यूएल है उसका रेड कार्ड आई मीन पीपल कैन टॉक अबाउट इट इट वॉज अ डेरेक्ट रेड कार्ड और नॉट अगेन इट कॉन्ट्रोवर्शियल मेरे बैड फाउल येस सीरियस फाउल है भाई बट इट वॉज एन दार्ड हार्ड टू बी गिवन अ डायरेक्ट रेड कार्ड अगेन भाई 50 50 वी डोंट नो बट लालिका कहता है भाई ये अटेम्प्ट था बंदे के फुट पे स्टॉम्प है रेड कार्ड है डेंजरस चैलेंज है भाई 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 चलो कोई दिक्कत नहीं कर लो ठीक है फाइन पेनल्टी के डिसीजन को लेकर काफी सारे लोग परेशान है कल के मैच में कि भाई पेनल्टी क्यों नहीं दी गई बारसा के अगेंस्ट तो भाई मैं पहले पेनल्टी की बात कर लू बिकॉज भाई ये दो दिन से यही चल रखा है ना पेनल्टी पेनल्टी खेल रहे हम लोग अच्छा किया बारसा ने चार गोल पहले बहुत सही किया मैं तो बताऊँ बॉइस यहाँ पे लोग ना जो हमसे नफरत करते हैं जो टॉक्सिक फैंस है ना ना फैस बिकॉज की बाशा के अगेंस्ट पेनल्टी नहीं मिली दे आर अपसेट बिकॉज बासा इज प्लेइंग लाइक दैट एंड दे फ फियर इट दे नॉट गन एक्सेप्ट बट दे फीयर इट और ये जो ये जो सर्टन सेक्शन ऑफ़ फैन बेस है ना बहुत बड़ा फैन बेस नहीं है छोटे छोटे फैन बेस में ऐसे गुच्छे गुच्छे में लोग होते हैं दोनों साइड से होते हैं टॉक्सिक फैन्स ये जो वारसा वडरड वे लोग हैं ना इनको बड़ प्रॉब्लम होती है जब हमारे अगेंस्ट ये पेनल्टी नहीं दी गई एंड द फैंस वो जो फॉलो कर रहे हैं फुटबॉल को काफ़ी समय से उनको पता है भाई कि भाई ये जो एक्सीडेंटल हैंडबॉल है खासकर इस साल से रूल है कि भाई ये नहीं दिया जाएगा एंड इसकी एक बहुत ही बारीक लाइन बांटी गई है अन इंटेंशनल हैंडबॉल्स को हम कैसे डील कर रहे हैं तो भाई क्रॉस आता है बाल्डे का हेडर लगता है इन्हीं को मारते हाथ पे बॉल लगती है क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, है, है एक्सीडेंटल दो ही हो रखा था टू वन हो रखा गेम स्टिल ओपन हो जाता बट आई एम्पी बासा इज नॉट काउंटिंग ऑन दीज इवेंट्स बासा ओपन प्ले में गोल बना रही है बासा ओपन प्ले से चांसेस क्रिएट कर रही है और मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस लालीगा में क्रिएट किए हैं इस ने हराम खोर ये ओल्ड ओनली हार्लेंड हैज मोर गोल कॉन्ट्रीब्यूशन दिस डांडिस नाइन जीएन हाल्ड भैया के एंड लमीन के हैं सात बाई पांच मैचेस में तीन गोल और चार असिस्ट ट्रूली इनक्रेडिबल पीपल आर नॉट रियलाइजिंग हाउ इनक्रेडिबल दिस फीट इज इफ यू के लुक एट एवरीथिंग दट इज गोइंग ऑन एट बार्सोना हाथ से फ्लिक का आना बार्सोलोना का स्टाइल ऑफ प्ले में चेंज करना एक दूसरा वर्जन एक ज्यादा एक्सपेंसिव वे एक ज्यादा हार्ड वर्किंग वे एक ग्राइंड करने वाला फुटबॉल खेलना इट्स डिफरेंट टू वॉट बारशा इज यूज टू प्ले हम ऐसा फुटबॉल नहीं देखे बारसा को खेलते हुए एंड एज मच एंटरटेनिंग एज इट इज इट इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल क्योंकि वह हाई फिजिकल कपैसिटी डिमांड करता है आप देखो पर मैच ये इंटेंसिटी मेंटेन करना बार्सोना के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसीलिए मैं बैंक करता हूं कि भाई यहां पे हांसी फ्लिक ना रोटेट करे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम मैचेस में अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे बिकॉज जो इंटेंसिटी पे हमने कल जिरोना को लिटरली कुत्ता बनाया ब्रो रिकवरीज हो रही है एवरीवेयर टॉप से आप देख रहे हो बंदे चढ़ रहे हैं लेवा की प्रेस देख रहे हो आप रफीनिया बाय रफीनिया इज चेजिंग एनीथिंग रफीनिया ऐसे भूखा भाई वेरवुल जैसे है उसके सामने तुम कुछ फेंक दो वो भाई लॉस्ट कॉज पे वो बंदा बॉल चेस कर रहा है अ अ बॉल इज गोइंग आउट फॉर गोल किक उसको चेस कर रहा है बंदा एंड वी लाइक इट व्हाई दैट शोस कमिटमेंट दैट शोस दैट ही इज मोटिवेटेड टू डू समथिंग दैट शोस कि व्हाई ही इज सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस हांसे फ्लिक बॉल एंड बाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ही इज ओनिंग दैट पोजीशन फ्लैंक बाय बाले बंदे को इंप्रूव करना पड़ेगा बाय द वे ऑल में बंदा वाजंट दैट गुड डिफेंडिंग स्टिल इसने भाई संभाल लिया भाई बट यार कम ऑन यार वी नीड टू नो

आप, आप एक सिस्टम देखो यहां पर हांसफ का भी दिया जैसा, या, फिर हमारे पास जैसा या, फिर या बुस्केट्स वाला कोई एक नहीं जो इंटरसेप्शन होते हैं ना वो, वो, है वो चीज करे डिस्ट्रोप्टिव डीएम हमारे पास नहीं है ऐसा आपके पास एक प्लास्टिक की बॉटल है सॉस की थेकिया? उसके सॉस निकालने के दो तरीके हैं भाई जदार लोग क्या करेंगे आप उसमें अगर आप छोटा सा स्पून स्पून के आपने भाई एक चम्मच सॉस निकाल लिया येल्लो हो गया और और क्या कर सकते हो कुछ नहीं भाई उसको स्क्वीज़ करोगे स्क्वीज़ करोगे भाई सॉस गिर गया आपके पास ठीक है तरीके हैं तरीके हैं अब कुछ लोग करेंगे उसमें उंगली उंगली डाल के निकालेंगे में लग जाएंगे वो भी बात है बट सीन सीज वॉट बारसा का प्रेसिंग देखो तुम पे ऑफ हैविंग वन और टू सोल बॉल विनर्स इन द बिकॉज लेट्स फेस इट का एट्रीब्यूट नहीं है बॉल विन करने का इवन कसाडो को तुम देखोगे ना ही इज नॉट अ अचुरल डीएम कैन प्ले दैट डीप लाइंग प्ले मे रोल उसके पास वो नेचर है ना थोड़ा सा अच्छे प्रेस करने का वॉट इज ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू स्क्वीज स्क् प्लास्टिक कैचअप बॉटल उसको स्क्वीज करने से क्या होता है हमने एक लैटरल कंपेक्टनेस को कम कर दिया अपनी टीम को हमने कंपोजिट सॉलिड बना दिया कि भाई सेंट्रल एरिया से आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते सेंट्रल पेनिट्रेशन नॉट अलाउड दूसरे रास्ते ढूंढिए और दूसरे रास्ते कहां है योर टच लाइन इज योर बेस्ट डिफेंडर आपने प्लेयर्स को वाइड भेज दिया अब वाइड भेज दिया ऑलरेडी उनके पास एक टच लाइन है जो कि उनकी नेचुरल डिफेंडर है सो द प्लेयर हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि भाई हमें एज एज डिफेंडिंग टीम हमें पता है कि भाई एक प्लेयर वाइड गया है, तो भाई चांसेस क्या है टेक ऑन लेगा क्रॉस करेगा स्टिल हमने उसके ऑप्शन को कटआउट कर दिया तो ये जो सेंट्रल हमने पैक कर दिया ना स्क्वीज कर दिया हमने टीम को ना जो एक सॉलिड ब्लॉक बना लिया इस

सेंटर लाता है क्योंकि उसको रनर्स को मार्क करना है वाइड राइट हैंड साइड आप वहां पे खड़े होकर क्या कर रहे हो आप प्रेजेंस दे देो फो फोटू में अगर आप डिफेंड कर करो ये माल कुड भी ऑन द राइट हैंड साइड एकदम वाइड एरिया को डिफेंड करेगा बट नहीं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरलोड है एंड आप एंटिसिपेट करो कि स्विच राइट हैंड साइड हो सकता है बट आप रिडेंडेंट हो अगर आप वहां खड़े हो यू नीड टू प्रोवाइड अ नंबर इन बिटवीन बिकॉज क्लोज कॉम्बिनेशन ओवरलोड साइड से होंगे एंड आपकी प्रेजेंस सेंट्रल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी वजह से आप देखोगे ये को प्रेस करते हुए जब वो अपनी नेचुरल पोजिशन होल्ड करता है रेस्ट डिफेंस में ही इज नॉट होल्डिंग इज पोजीशन डिफेंडिंग ऑन द राइट हैंड साइड ही इज कमिंग इन साइड बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज है ना आप देखना अक्सर ये टीम्स करती है एंड ये प्रिंसिपल है जो कि हम बासा पे देखते हैं अक्सर यूज होते हैं और ये दोनों साइड से होता है क्लोज ऐसे फनल डाउन कर रहे हैं दोनों वाइड विंगर्स वाइट राइट हैंड साइड पे प्रेस नहीं करेंगे डिफेंड नहीं करेंगे जब ओपन प्ले है अपोजिशन का दो कंडेंस करेंगे यहां पे अपने दोनों मिडफील्डर्स के पास पेड्रिक कसाडो को क्लोजली फ्लैंक करेंगे एंड अब टॉप आपके पास डैनियोलो लेवाडोस के बचे हैं तो ये एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है कि भाई बासा की प्रेसिंग इतनी डिफेंसिव फेज में अच्छी है राइट नाउ कम्स टू द पार्ट जहां पे हम अप टॉप प्रेसिंग करते हैं अप टॉप हमारी प्रेसिंग इतनी रिलेंटलेस है आई डू नॉट नो कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं है बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हाउ आई हैव सीन न्यूकासल प्रेस एंड न्यूकासल सस्टेनेबल नहीं हो पाती हमने देखा चैंपियंस लीग वाले फिक्सर्स में क्या हाल हुआ उनका बट दिस इज वॉट बासा हैज बीन डूइंग गेम इन एंड गेम आउट फर्स्ट मैच मैच थोड़ा सा स्लो था अभी तक कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ था भाई बट फाइव वन फाइव कर लिया है बेटी फाइव वन फाइव कर लिया तो तुम सेलिब्रेट करोगे फाइव वन फाइव कर लिया तो तुम चौड़ में बात करोगे तुम बताओगे तुम एक्सप्रेस करोगे कि भाई हो क्या रहा है पिच पे एंड अ टीम विच डिस्ट्रॉयड यू ऑन बोथ द फिक्चर्स होम एन अन थी इन, इनकी पिछले फिक्सर्स में डबल किया था इन्होंने हमारे अगेंस्ट इनके होम पे वेन यू गो ऑन एंड आपका एक एजेंडा है That, इनको स्पेस नहीं देना आपने इनको खा लिया खा लिया बाय मेकेट दिसम बार्सोना जो की पिछले साल खेली थीस्ट वर्जन ऑफ जिरोना लेकिन जो बार्सोला ने कल इनके अगेंस्ट किया, किया है विद एनी एंड एवरी पॉसिबल ऑप्शन दे ओनली अफ टाइम जहां पर जिरोना अपने हाफ से निकल के अटैक करी थी एंड ऑबलीसिपेटेड yes, है एक्सपेक्टेड है आपके पास ब्रान गिल जैसे विंगर्स है जो कि पेसी है आपके पास सीगानकॉफ जैसे

जस्ट हैविंग वर्टिकैलिटी वर्टिकालिटी तो एक तरीका है बॉल को ऊपर पहुंचाने का ऊपर से आप रहे हो क्या वाइड एरिया से अटैक कर रहे हो क्या आप सेंट्रल पेनिट्रेशन करते हो बासा कैन डू आई ऑफ द थिंग्स हमारे पास मल्टीपल एवेन्यूज है कंबाइन करने के लिए क्या क्लोज कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं लेवा का होल्डअप है क्लोज कंबाइन करोगे ओलमोल यमाल वहां पर आतंक मचाएंगे खतरनाक वाइड एरिया से आप क्या कंबाइन कर सकते हो डेफिनेटली क्योंकि आप पास रफीनिया है तो बालडे इन्वर्ट करेंगे राइट एंड साइड से आप यमाल को इनसाइड ला रहे हो तो भाई कोंडे ओवरलैप करेंगे तो आपके पास कंबाइन करने के मल्टीपल फैक्टर्स मल्टीपल तरीके हैं आपके पास ज्यादा चांसेस बनती है पिछले मैच में हमने देखा कि भाई लेट क्रॉस भी डाल के हमने फेरन वाला गोल देखा था सो दिस इज व्हाट बार्सिलोना हैज हैज डेवलप्ड इनटू एंड भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता बेटी कितना अच्छा लगता है जब भाई पैदरी गोल मारता है आई I मीन mean, ये जो डिस्क्रिमिनेशन और क्रिटिसिज्म पैदरी के ऊपर होता है वो इसीलिए होता है ना कि भाई बंदा क्या है कि भाई ये गोल नहीं मारता मार दिया भाई कसाडो के कल की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी एंड ही इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर ना जो कि इतना एलिगेंट नहीं है लाइक आई वाज सेइंग अर्ली ऑन मैं ड्रिफ्ट अपार्ट कर गया बट नाउ कसाडो कल के मैच में ब्रो इसने सिंपल फुटबॉल खेला है एंड मैं असिस्ट की बात अभी नहीं कर रहा हूं व्हिच इन माई ओपिनियन वॉज द बेस्ट गोल ऑफ यस्टर डे ये माल ने भाई बॉल विन करके गोल मारा आउटसाइड द बॉक्स फिनिश की बहुत बेहतरीन है बट जिस हिसाब से हमने गोल वो बनाया वो जो पूरा सिक्वेंस है ना गोल का जहां पर कसाडो ने वो पास रिलीज किया एंड पेदरी का गोल आया बो दैट वॉज जस्ट माइंड बॉगलिंग बट कसाडो का सिंपल नेचर ऑफ द प्ले उसको पता है कि उसकी लिमिटेशन कहाँ पर है आई एम नॉट एक्सपेक्ट हिम टू डिस्ट्रीब्यूट द प्ले लाइक आपके क्रूज लाइक इवन पुस्केट्स डेट व लॉन्ग स्विचेस इवन बर्नाल जो करता था स्विचेस ही मैट नॉट बी वेरी एलिगेंट ऑन द बॉल बट ही एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इज स्पेस अच्छा पेवेट है टर्न करता है क्विकली नेक्स्ट प्लेयर को पास रिलीज करता है पास खाली नहीं है तो लैटरल पास निकाल देता है खूंडे को लेफ्ट एंड साइड पास कर सकता है बाई बहुत प्यारा फुटबॉल कल बंदे ने खेला रफीना मॉन्स्टर है भाई, से फ, बंदे ने बहुत बेहतरीन किया था जस्ट कपल ऑफ मिनट्स बिफोर द पेनल्टी इंसिडेंट एंड यहां पे टर्स टेगन को भी प्रॉप्स से बट दो तीन और प्लेयर है भाई कल खूब अगेन भाई खा रहा है बंदा भाई दानजियोमा वाला टैकल देखा मजा आ गया मजा आ गया एंड भाई इन्हीं को मारतेनेस A lot of criticism comes to Inigo Martinez because he is not one of those players जो कि आप like करते हो outcast feel करता होगा Inigo but मैं कहना चाहूँगा Inigo भैया thank you yaar props है भाई किस हिसाब से leadership maintain किए पिछले पांच matches में ना मैं बता सकता he is so reliable in position he is not very pacey बट भाई क्योंकि आपके पास बाल्डे डे फ्लैंग करने के लिए और टीम की पूरी डिफेंसिव स्ट्रेटजी आप देखो जब भी काउंटर पड़ता है पूरी टीम एज अ यूनिट पीछे आती है हराम को बाराश है कि इस पॉलिटिक नापुली बिकॉज आई हैव सीन दिस हैपन और जब अटैक करेंगे भाई अटैक में तो यार आम बारा फैन आई वॉचिंग दिस टीम फ्रॉम फिफ्टीन लॉन्ग ईयर्स

ऑन राइट नाव इस प्लेयर्स लुक अप सर उठाएंगे देखेंगे बेटी रन मार रहा है लॉन्ग सीधा वोटिकलिटी है ना स्विचे इन्वॉल्व है प्ले में एंड दैट वुड अलाउ बा टू बी डायरेक्ट एंड देन देव ऑप्शन वहां से वो लीथल होते आपके पास जब यमाल जैसा बीके एल है जो कि वन वी वन में आपको भेज सकता है एंड भाई कल भी इसने मिगेल गुतियरस को भाई जला दिया मिगेल गुतियरस ने हमारे अगेंस्ट गोल मारा था वो वाले फिक्चर में मुझे याद है एंड पीपल वो लाइक मिगेल लेफ्ट बैक ने गोल मार दिया कल भाई ये माल खा गया बंदे को दो गोल मारे बॉल विन करके डी एपे से बॉल विन करके मारा फ्रिक वाले इंसिडेंट पर भी इसने गोल मारा एंड भाई इन एवरी सिनारियो जमाल लामासिया मेरे रे कराफ, कराफ भाई अरे खराफ थैंक यू थैंक यू फॉर लामासिया बट दैट्स

से अभी के टेन डेज हिल भी आउट अभी की रिपोर्ट से मोनाको वाला गेम वो बंदा नहीं खेलेगा मतलब यार कम ऑन वी कांट कैच अप ब्रेक यार इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं देन एक चीज़ हो जाती है ना जहाँ पे भी लाइक आ गोल खा गए रेड कार्ड हो गया डानी उलमो को इंजरी हो गई एंड ये दस दिन का भाई खलेगा में इज़ स्टे बी वेरी इम्पॉर्टेंट अगेंस्ट मोनाको, बट ही इज नॉट बी देर। आई एम नॉट सो श्योर भाई क्या सीन है यहाँ पे फिर पर देखो देखो हो सकता है भाई उस टाइम पर हम किसी तरीके से अडाप्ट करें अपनी गेम को फाट्टी आ जाएंगे अगले मैच में फाटी भी अवेलेबल हो जाएंगे तो इट्स गुड फॉर अस एक्स जी आप देखोगे वन है बारसा ने एक्जी ओवर परफॉर्म किया मोर देन टू ठीक है सो दैट इज हाउ बारसा प्लेड कल का मैच दस दै अभी के लिए भाई लोग बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस मैच दे ब्रेक एंड मैं चलता हूँ मैं मिलूंगा आपसे वेरी सुन लीग इज कमिंग ऑन बार्सिलोना वुड नॉट हैव मोर इंजरीज एंड आई होप कि भाई हम अगले मैचेस भी जीते हैं थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे कॉमेंट जरूर से करेंगे विस्काइल बासा हराम को मैं मिलता हूं वेरी सुन तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट